प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। सातवीं कक्षा गणित में हम त्रिभुज के गुणों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने त्रिभुज के कुछ गुणों को पढ़ा था। आज हम एक नए गुण के साथ नई प्रश्नावली को लेकर कुछ नए प्रश्न हल करेंगे। और प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न आज हम हल करेंगे। तो जो त्रिभुज का आज हम गुण पढ़ेंगे वो गुण है एक त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। देखिए बच्चों, ये एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है। अगर मैं दो भुजाओं को जोड़ूंगा ए और बी को, ये जो मान है हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। या फिर मैं बी और सी को अगर जोड़ूंगा, भुजा बी और सी को अगर जोड़ूंगा, तो ये मान हमेशा ए से बड़ा होगा। या मैं सी और ए को अगर जोड़ता हूं, तो ये मान हमेशा बी से बड़ा होगा। तो बच्चों, एक त्रिभुज तभी संभव है, तभी त्रिभुज पॉसिबल है, तभी त्रिभुज बन सकता है अगर उस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो इस गुण का प्रयोग हम प्रश्नावली 6.4 के प्रश्नों को हल करने के लिए करते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 6.4 का पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्न दी गई भुजाओं के मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है? और भुजाएं हैं त्रिभुज की 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हल करने से पहले बच्चों, हमने इसका गुण लिखना है जो हमने पढ़ा है। वो गुण क्या है? हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो बच्चों, हम दो छोटी भुजाएं लेंगे। अब देखिए, जैसे यहां पर है 2 जमा 3, और 2 जमा 3 कितना होता है? 5। और तीसरी भुजा भी क्या है? 5। तो ये जो है 5 से बड़ा होना चाहिए, ये बड़े का निशान होता है। 2 जमा 3 5 से बड़ा होना चाहिए, पर ये 5 से बड़ा नहीं है, क्योंकि 2 जमा 3 भी कितना होता है? 5। और राइट में भी क्या है? 5। तो हम लिखेंगे 2 जमा 3 बड़ा नहीं है 5 से। ये जो निशान लगा था, ये बड़ा नहीं का निशान है, बड़े का निशान है, और इसको मैंने काट दिया। इसका मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे? बड़ा नहीं है। क्या पढ़ेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक प्रश्न में, बड़ा नहीं है। तो 2 जमा 3 जब 5 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा नहीं है। आगे क्या लिखेगी फिर? इसलिए त्रिभुज संभव नहीं है। तो आपने आगे क्या लिखना है? इसलिए त्रिभुज, इसको क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज संभव नहीं है। बच्चों, त्रिभुज संभव तब होता है यदि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से अधिक होता है। बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरे का पहला भाग मैंने लिया है और प्रश्न नंबर पहले का भी पहला भाग ही मैंने लिया था, और दो भाग आप स्वयं करेंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर दूसरे का पहला भाग क्या कह रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर में बिंदु ओ लीजिए, क्या यह सही है? ओ पी जमा ओ क्यू पी क्यू से बड़ा है। क्या पढ़ेंगे इसको? ओ पी जमा ओ क्यू पी क्यू से बड़ा है। तो आपने क्या करना है? आपके पास कोई त्रिभुज है और त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर। बच्चों, इसके अभ्यंतर में, अब अभ्यंतर और बहिर्भाग आपको पता होगा, इन तीन भुजाओं के अंदर का जो एरिया है वो अभ्यंतर है, और बाकी बाहर का बाह्य भाग है। अभ्यंतर में यहां पर बिंदु O था। अब OP और OQ, ये देखिए, ये OP और ये OQ बड़ा है PQ से, PQ से बड़ा है। ये एक नया त्रिभुज आपके पास बना है।
इस त्रिभुज में OP और OQ का जो जोड़ है, मतलब OP और OQ क्या है, त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ किससे बड़ा है, तीसरी भुजा से। मैं किस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, छायांकित भाग वाले त्रिभुज की। इस त्रिभुज की दो भुजाओं OP और OQ का जो जोड़ है वो तीसरी भुजा QP से या PQ से बड़ा है। तो आपको ये बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। OP जमा OQ बड़ा है PQ से, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। हम लिखेंगे हाँ, OP जमा OQ बड़ा है PQ से। कारण भी लिखेंगे, क्या कारण है, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो इसलिए ये जो कथन था OP जमा OQ PQ से बड़ा है, ये कथन सही है। बच्चों इसी तरह से आप इसका दूसरा और तीसरा भाग करेंगे। तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज ABC की माध्यिका AM है। ये देखिए आकृति में मैंने त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ABC, और ये माध्यिका इसकी AM है। बताइए कि क्या आपने बताना है AB जमा BC जमा CA 2AM से बड़ा है। इसको कैसे पढ़ेंगे, AB जमा BC जमा CA बड़ा है 2AM से। बच्चों माध्यिका के बारे में जब आपको मैंने बताया था, माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको हम माध्यिका बोलते हैं। तो AM माध्यिका है, तो जितना सॉरी B AM माध्यिका है, हाँ, तो जितना B से M तक है उतना ही M से C तक होगा। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए अब हमको पता है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम पहले ये लेफ्ट वाला त्रिभुज लेते हैं। इस त्रिभुज की दो भुजाओं का जोड़ ये AB और BM, इसका जोड़ जो है AM से क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहां पे हम लिख भी लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। मैं लेफ्ट वाला त्रिभुज जो मैंने जिसमें शेड किया है, इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो इसकी दो भुजाएं जो AB और BM है, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो AM से क्या आएगा, अधिक आएगा। ए बी जमा मैं लिखूंगा अतः त्रिभुज ए बी एम में, ए बी एम में क्या आएगा, दो भुजाएं ए बी और बी एम, इनका जो जोड़ है वो तीसरी भुजा ए एम से क्या होगा, अधिक होगा। बच्चों इसको मानना है समीकरण नंबर 1। और इसी तरह जो दूसरा त्रिभुज है, राइट हैंड साइड में भी आप एक त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में भी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से ज्यादा होगा। तो AC जमा MC, इसी तरह त्रिभुज का नाम लिख लिए हम, AMC में क्या आएगा, AC जमा MC बराबर है, ये एम है, बड़ा होगा। AC जमा MC किससे बड़ा होगा, AM से। ये आया बच्चों समीकरण नंबर 2। अब रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जमा कर देंगे।
तो बच्चों हम समीकरण एक और समीकरण दो को जमा करेंगे। जब हम जमा करेंगे तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड में राइट साइड जुड़ जाएगी। समीकरण की लेफ्ट साइड ये है और दो की लेफ्ट साइड ये है, तो लेफ्ट साइड आपस में जोड़ देगा हम, तो हमारे पास आएगा ए बी जमा बी एम जमा ए सी जमा एम सी। बड़ा है किससे? राइट साइड में राइट साइड जोड़ देंगे, पहले की राइट साइड ए एम और दूसरे की राइट साइड भी क्या है ए एम। अब मैं ए बी जमा ए सी इनको अलग लिख लेता हूँ, जमा ये जो बी एम और एम सी है इसको इकट्ठा कर लेता हूँ, ये बी एम और एम सी। बड़ा है ए एम जमा ए एम हुआ दो ए एम, ए एम जमा ए एम कितना हुआ दो ए एम। ये आया ए बी जमा ए सी बी एम जमा एम सी। अब आकृति में आइए, बी एम बी से लेके एम तक जमा एम सी एम से लेके सी तक, बी एम जमा एम सी क्या बना टोटल बी सी। तो मैं बी एम जमा एम सी की जगह क्या लिखूंगा बी सी। बड़ा है किसे दो ए एम से। और अब बी सी को आगे लिख लेते हैं, ये बनेगा ए बी जमा बी सी जमा ए सी बड़ा है दो ए एम से। तो बच्चों यही रिजल्ट है जो आपको प्रूफ करना था कि अगर ए एम त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है तो ए बी जमा बी सी जमा ए सी दो ए एम से बड़ा होता है। तो बच्चों आज का होमवर्क है प्रश्नावली 6.4 के सभी प्रश्न आपने करने हैं। और पिछली वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को कैसे हल करना है आपको मैंने बताया था, परंतु बच्चों केवल आपकी कक्षा से दो बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, 20 से अधिक बच्चे आपकी क्लास में है और केवल दो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और दो ही बच्चों ने होमवर्क मुझे भेजा है, काकुन और सिमरन का होमवर्क आया है। तो बाकी बच्चे ना तो वीडियो को देख रहे हैं ना होमवर्क कर रहे हैं। तो बच्चों मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि आपको जो वीडियो बना के मैं भेजता हूँ उस वीडियो को आप अवश्य देखें, उसमें प्रश्न को हल करने की जो विधि बताई गई है जो तरीका बताया गया होता है उसको आप समझें और उसको समझ के आप खुद उसी तरह के प्रश्नों को हल करें और फिर होमवर्क करें। तो अगला वीडियो परसों भेजा जाएगा, तब तक आप इस वीडियो को देखकर जो होमवर्क है वो पूरा करके मुझे